नमस्कार दैतनगर प्रमुख खबर सह बारवाटी धौली एक्सप्रेस आरंभ करने खबर यात्रा किंतु आगक बढ़ा पूर्व प्रथम देखने कौन रही हेडलाइंस मछलीपट्टनम डेपलर राडार रे बात्यार आखि दृश्यमान 24 घंटे दुर्बल हेब शानी गोपालपुरठू 490 और पुरी 570 किलोमीटर दूर केन्द्रीभूत घंटा प्रति 10 किलोमीटर वेगरे गति करुछि तीन दिन उपकूल जिलार प्रबल वर्षा पुलिस डीसीपी द्वारस्थ हेले मडेल सौम्यों परिवार सोनाली विरोध में कार्यानुष्ठान कले गुहारी पूर्व हाइकोर्ट का निर्देश पर सोनाली और विरोध में मामला रुजू कर इन्फोसिटी थाना पुलिस नुआ डीसीपी नुआ टार्गेट एनबीडब्ल्यू थिबा अपराधी को धरिया प्रति थाना को निर्देश भुवनेश्वर यूपीडी पड़ी 2017 एनबीडब्ल्यू 25 थाना को जा निर्देश भुवनेश्वर मेयर का नुआ अंदाज स्कूटी रे बुली परखुचंती राजधानी रा स्थिति हेले मुंडरे नाही हेलमेट साधारण रे चर्चा भुवनेश्वर उद्घाटित हेला भारत रा प्रथम सेंसरी पार्क स्मार्ट सिटी लिमिटेड पक्षर शहीद नगर में प्रतिष्ठित एक एकर जगार एक कोटी व्यय निर्मित होइछ अत्याधुनिक पार्क तो सामुद्रिक झड़ आसानी संपर्क में गणमाध्यम को संबोधन करुछंती स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर प्रदीप जेना आसतु शुणा कौन कहते दक्षिण दक्षिण पूर्व दिगरे एवं विशाखापट्टनम पाखापाखि 300 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिगरे केन्द्रीभूत होता मैंने विशाखापट्टनम और काकीनाडार दक्षिण को से मझामझी अच्छी गत काली जो हिसाब से भारतीय पाणीपाग केन्द्र आकलन करथिला एवं अन्य मॉडल माने मध्य जो भली आकलन करथिले आज ताठू जथेष्ट परिवर्तन घटी एवं काली आमे समस्ते मॉडल भितरे कहुतुलु जे ताहा समुद्र भितरे पाखापाखि समुद्र कूलरु 150 किलोमीटर भितरे से रिकर्व करिवो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को उत्तर उत्तर पूर्व दिगकु जीवो एवं समुद्र भितरे ओडिशा उपकूलर पारलल समुद्र भर जीवो बोले किंतु आजर जहाँ सद्यतम तथ्य आसी भारतीय पाणीपाग केन्द्र ताहा उत्तर उत्तर पश्चिम दिगक गति करी काकीनाडा पाखापाखी स्थल भाग छुई पारे एवं स्थल भाग छुईवा पूर्व हुए तो ताहा रिकर्व कर रिकर्व कला बेले धीरे धीरे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रिकर्व कर एवं काकीनाडा पाखरु विशाखापट्टनम मध्यम ताहा पाखापाखी स्थल भाग को छुई छुई गला भाया जीव एवं विशाखापट्टनम पर आउ टे फर्दर रिकर्व करके समुद्र भितर को पुणी आउ थे पशिल सो यही परिस्थित अच्छी विशाखापट्टनम पाखापाखि जो पहुँच 12 तारीख बेलू से तार जो इंटेनसीटी कमी जाइ डिप्रेसन डीप डिप्रेसन होतेबूर धीरे धीरे समुद्र भितर पशला पर ताहा पुणी फर्दर दुर्बल हो आहरी दुर्बल होकर डिप्रेसन को परिवर्तन कर 12 तारीख संध्या पर सो एथुर जहाँ जना पड़ी वर्तमान आकलन जहाँ अनुसार ताहा ओडिशा उपकूल में वर्तमान पर 12 तारीख संध्या व 13 तारीख सकाल पर्यंत ओडिशा उपकूल पाखापाखि पहुँचे ना तेणु विशाखापट्टनम पर जो से समुद्र भितर को आउ थे पशिव तापर तार गतिपथ कौन हम बर्तमान सठिक भाव कही हम ना तेज से ता दुर्बल स्थित आसी जाइ तेणु आम ओडिशा उपरे पवन सेमती बेस किसी हेला भाया आकलन करूना तेब आंध्र प्रदेश काकीनाडा पाखे जो स्थलभाग छुईब किसी मडल कहते स्थलभाग भर को भी पशिपे लाइक जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर से कह स्थलभाग भर को पशिकापर रिकर्व कर तेणु जहाँ भी हो सब मडल प्रायत गोटे सूचना दौरान ताहा आंध्र प्रदेश काकीनाडा पाखापाखि स्थलभाग छुईब स्थलभाग भर को पशिपर स्थलभाग छुईकी से पुणी रिकर्व कर जदि से सत हुए ताहले आमे ओडिशा उपर पवन रमि किसी प्रभाव पड़े ना आम धरवा तेरे वर्षा हम आपने जानते आम कहूलु गंजाम पुरी जगत सिंहपुर खोर्धा कटक एपटा बर्तमान ता सहित मलकानगिरी कोरापुट जोड़ी जोड़ी
आसंता काली सकाळ सुद्धा मालकानगिरी कोरापुट गजपति गंजाम एपटे वर्षा हम ये तो सामान्य वर्षा होमती टी तो वर्षा रारिडे जेहेतु गोटे बात्यार प्रभाव में बहुत बड़ एरिया क्लाउड थाए वर्षा हुए तबे आम एक्सपेक्ट करूँ आसंता काली सका सुधा मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ गजपति यपटे टी वर्षा अधिक हम एवं तापर दिन आस्ते आस्ते एपट को बढ़ मैंने गंजाम पुरी खोर्धा कटक जगत सिंहपुर तापरे पुणी पुरी खोर्धा जगत सिंहपुर कटक केन्द्रापड़ा भद्रक यही वर्षा हम 13 तारीख पर्यंत तेज वर्षार परिमाण जहाँ जना पड़ी जो कथा गत काली भी कही थी अति भीषण वर्षा हम ना तेज मध्यम रु प्रबल वर्षा स्थाने स्थाने प्रबल वर्षा हो पारे साधारण भाव मध्यम वर्षा हम मध्यम वर्षा जनित जो जलमग्न कौटी हो पारे आखिरी रखी जिला प्रशासन बर्तमान आम मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ गजपति यही चारोटी डिस्ट्रिक्ट को मध्य आहुरी अधिक सतर्क करिछु मु कहिबि टिके परे आमे सेठिक मध्य फोर्स डिप्लॉयमेंट कलु तेणु परिस्थिति देखि आम जो 18 जिला को प्रथम रु आम अलर्ट करथिलु सेही 18 जिला रे आम तो विथड्रॉ कर नथिलु आमर वार्निंग तबे सेही 18 जिला रु बर्तमान आम पूर्व पटु नहीं कि पश्चिम पटे बर्तमान यार प्रभाव तो टिके रहिबो नहीं बर्तमान तो आम जदिओ मैंने पाथटा ओडिशा को कौटी छुईब ना तेज तारी प्रभाव में सामान्य पवन हो पारे वर्षा मध्य पारे तेणु आम जमी कहल मालकानगिरी गंजाम मालकानगिरी कोरापुट रायगढ़ गजपति गंजाम ये प्रथम दफार यपट वर्षा हम तर गंजाम पूरी खोर्धा एपट हम तेणु आम वर्षापी सब जिला बर्तमान ये 18 जिला था पर्यायक्रमे सबू जिले वर्षा हम आम बर्तमान सूचित करूँ सतर्क रहा कहुच इतिम्य आम ओड्राफ जो गत काली जमी पठेदलू टे चेज करण मानने वर्तमान आम मालकानगिरी को दीटा ओड्राफ टीम जोटा छा दीटा ओड्राफ यूनिट पठे जोटा छटा टीम हो पार आम जेहेतु भुवनेश्वर आम पठेले असुविधा हे आम गोटे ग्राजुएटेड आप्रोच करोरापुटर तीन टा टीम रु दीटा मालकानगिरी पठेदलु कोरापुट गोटे टीम रखिलु रायगढ़ गोटे टीम थी बर्तमान गंजाम रु दीटा टीम गोटे कोरापुट को पठेलु गोटे गजपति को पठेदलु एवं कटक रु दीटा टीम आम गंजाम को पठेलु ताप कौन कि ये गंजाम पहुँचला गंजाम टीम कोरापुट और रायगढ़ पहुँची जाए समय नष्ट हो तेणु से ही हिसाब से आम कर फायर सर्विस टीम को मध्य आम ये वर्तमान मालकानगिरी जिले में 6 ओड्राफ सब टीम रहिबे 13 फायर सर्विस टीम रहिबे 19 कोरापुट रे 6 ओड्राफ सब टीम रहिबे एवं 13 फायर सर्विस टीम रहिबे गंजाम रे 6 ओड्राफ सब टीम रहिबे 30 फायर सर्विस टीम रहिबे गजपति रे 3 ओड्राफ टीम रहिबे 10 फायर सर्विस टीम रहिबे रायगढ़ सेम 3 ओड्राफ टीम आउ फायर सर्विस टीम रही है यहाँ को आम एडिशनल बर्तमान डिप्लॉयमेंट करूँ तेणु आउ आम पाखे अच्छा भुवनेश्वर तो अधिक अच्छा तेज दरकार पड़े ना तेणु आम अधिक एक्ट ना ता सहित बर्तमान आउ गोटे आम सतर्क कर कलेक्टर मान सहित कथित साउथ को जोटा थी आम TPSODL टाटा पावर साउथ ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड तांकु जिलापाल मानू कहूँ तांकु लगे कि रेडी करी रखता जदि कौटी छोटिया मोटिया इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है इमीडिएटली से माने रिस्टोर कर फायर सर्विस टीम ओड्राफ टीम जो मैंने अच्छा प्लस जिलार इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो मैंने अच्छे से जो भी दरकार पड़ो जब किसी रास्ता क्लीयरेंस इत्यादि इत्यादि करेंगे यहाँ है बाय एंड लार्ज मोर सिचुएसन आउ जो भी इवाकुएसन आवश्यकता पड़ो ताकूर है मत्स्यजीवी मन कथा तो आपने जानते समस्ते गत काली कौ कष्ट आम 11 जन मत्स्यजीवी को उद्धार कले तापर भी आज खबर मिलला कि मत्स्यजीवी तर लोभ सम्मरण नक से मैंने समुद्र भितर को भी जाते पुणी फेरिले डा कि भाषी जा कौन इनक्वारी कले पूरा जनापड़ब तेरे इतिम्य आम समस्त सतर्क करी मत्स्यजीवी मैंने समुद्र को जाती सरकार आदेश एवं उपदेश न मानी ताल से विरुद्ध दु प्रकार कार्यानुषान ग्रहण करने आम बर्तमान कही गोटे हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भारतीय विपर्य परिचालना आईन अनुसार 2005 मसीह जो आईन तारी अनुसार सेक्शन 50 धारा 51 धारा 60 तारी भितर आम विरुद्ध क्रिमिनाल आक्शन भी इनिसीएट करूँ
ता सहित एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नापे दुईटा डिपार्टमेंट जो फिशरीज डिपार्टमेंट और कमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जी रजिस्टर करती बोट आउ लाइसेंस दिखती कहि यही क्षेत्र में जब जो नमानी की तक जीवन को विपर्यस्त करने मध्य प्रशासन को अजथा अकल में पकाउं से भाया क्षेत्र में आम कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ यह संपर्क में माइक में सबुआडे आनाउन्स करने जिलापा मानक आज कहुई मत्स्य संपद विभाग तरफ क्षेत्र अधिकारी मानक परामर्श दिखाई और फिशरीज सेक्रेटरी मॉनिटर कर सो वर्तमान पर्यंत मोटामोटी स्थिति या तबे वर्तमान आमे जेहेतु ट्रैक बहुत चेंज करला आमे आहुरी क्लोजली वर्तमान ट्रैक को फॉलो करूँ एवं जदि किसी सेमती सिचुएशन आउ किसी परिवर्तन हुए ताहले दरकार पड़े मुझे आपण मानक ट्विटर बा वीडियो माध्यम पुणी जाति जन नहीं बर्षार परिमाण किसी विशेष परिवर्तन होने से ही 70 रु 100 मिलीमीटर भर रर्षार परिमाण बढ़ुन बेसी तेब जदि काकीनाडा पाखे से स्थलभाग छुईब काकीनाडारु मालकानगिरी एंड पॉइंट आम जब हिसाब करा पाखापाखि 200 किलोमीटर तेणु वर्षा तो हम अति अधिक वर्षा हम बोली आम आशा करूँ नहीं देखो क्रिमिनल आम एफआईआर करूँ गिरफ हे ना सी इनक्वारी कर कितु कथा हूँ जब जब मानने दृष्टांतमूलक कार्य आम नक जी एक्शन न नेवा तो ये टेंडेन्सीटा आम समस्त गोटे विपद आणुच्छे काली एत कष्ट एयरलिफ्ट कराला से थ्रु आम जब किसी शिखा ना सका पुणी बोर्ड धरिकी मछ आए कि मानने मारिकी आणवा ये यहाँ गोटे हूँ अवश्य मानविक आम समस्त स्वभाव ह्यूमन नेचर किंतु जीवन को पा छड़े कि आम जदि किसी जीविका उपार्जन करने चेष्टा करवा तेल पर शुभदायक व मंगलदायक आम बुझा दरकार से ही दृष्टि आम समस्त कौन यो दिदिन कथा आज का पर दिन तीन दिन अतिवेश कथा तीन दिन टी कष्ट घरे रही तापर समुद्र शांत होगा पुणी माछ धरियापे आम कहीं मना करें तेज जीवन को बचेवा हूँ प्राथमिक कर्तव्य समस्त चेष्टा करेंगे जीवन को आगे बचेवा तापर जीविका कथा भाव मात्र तीन दिन कथा थैंक यू देखु देखु जो कथा पर दिन भी कहते वर्षा हेले पहाड़िया अंचल लैंडस्लाइड हबनी बोली कहीं कहीपर ना तेज वर्षा दिनिया वर्षा और खरा दिनिया वर्षा भितर पार्थक्य अच्छे वर्षा दिन एंटायर जो फाट सब थाए जो जॉइंट्स फिशर्स और फ्रैक्चर्स थाए से सब सैचुरेट होता है तेणु टिके जो अधिक पा पशिगला से प्रेसर दल खसी जाए खरा दुनिया सब सुखिला तेणु सी शोषी नब पाटा तेणु बेसी फुलबार संभावनाटा कम से दृष्टि आम आंटीसीपेट करूना तेज गजपति जिला और रायगढ़ जिला ये दुटा जिला आम निश्चित भाव कोरापुट एम होंगे टिके मानने ओडा भितर एम टे लैंड भूस्खलन तार टे प्रभाव रहे सेनिज कलेक्टर तो सतर्क होमती आपण मैंने जानते हैं गंगाबाड़ अंचल तितली बेले आमर किसी लोक भी मरी जाते हैं तेनाली आखिरे रखी गंगाबाड़ जेकोसी सैक्लोन हम प्रथम से ही अंचल जिला प्रशासन तार सीनियर ऑफिसर पठाई से अंचल ये करें एथर भी सड़े वर्षा जीव ना तथापि सीनियर ऑफिसर मैंने से अंचल को पठाई अच्छा यूनियन होम सेक्रेटरी जेहेतु प्रति थर आप जानते भारत सरकार कैबिनेट सचिव करती नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप मीटिंग करती किंतु एथर कर स्थलभाग छुईबार संभावना नाला आज जेहेतु स्थलभाग छुईबार संभावना देखादा तेणु इमिडिएटली सर्ट नोटिस यूनियन होम सेक्रेटरी गोटे मीट करते जोटी मृत्युंजय महापात्र जी डी आईएमडी सी प्रेजेन्ट थे केन्द्र सरकार विभिन्न डिपार्टमेंट कोस्टगार्ड एमाने मध्य थिले एवं दुईटी राज्य आंध्र प्रदेश एवं ओडिशार रिप्रेजेंटेटिव थिले आमे ओडिशा तरफ मुख्य सचिव आउ मु आमे दुई जन अटेंड करथुल मीटिंग आंध्र तांकर जे स्पेशल चीफ सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट से अटेंड करथिले तबे उभय स्टेट तांकर कहिले कौन कौन प्रिपेरेशन करिछन एवं आमर तो प्रिपेरेशन आगुरु आमे करिछु
ଏବଂ ଏଥର ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କମ୍ ରହିବ ତେଣୁ ଆମେ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଶା କରୁନୁ ବୋଲି ଜଣାଇଛୁ। ସେମିତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଅଧିକ ସହାୟତା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ସୋ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ବେସିକାଲି ଦି ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେନି ଆମରି ପାଖରେ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ 17 ଦଳ ଅଛନ୍ତି NDRF ଦଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିବା ତାପରେ ସିନା ମାଗିବା ଏବେଠୁ ମାଗିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କାଲି 6 କରିବ ହଉ ତମେ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିବି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ SRC ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହିଲେ SRC ଯେ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ଥଳଭାଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଏ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବାତ୍ୟା ତା'ର ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଅସାନି ବିଶାଖାପାଟଣା ଠୁ କାକିନାଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ଏ କଥା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ SRC ପ୍ରଦୀପ ଜେନା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ତାହା ସ୍ଥଳଭାଗ ନିକଟକୁ ଆସି ବିଶାଖାପାଟଣା ନିକଟରୁ ଏବଂ ତାହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ କର୍ଭ ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏହା ଉପକୂଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପରେ ରିକର୍ଭ କରି ପୁଣି ଥରେ ତାହା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି SRCଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ। ଅଶାନୀ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି ସମୁଦ୍ର। ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ପୁଣି ଫସିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଆର୍ଯ୍ୟପାଲିରେ ପୁଣି ଏକ ଡଙ୍ଗା ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ଷା। ଅଶାନୀ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର। ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଓଲଟିଲା ଡଙ୍ଗା। ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଫସିଲେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ସଂଘର୍ଷ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୂଳରେ। ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଆଖି ଦେଖାଇଛି ବାତ୍ୟା ଅଶାନୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଆର୍ଯ୍ୟପାଲିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଢେଉରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଡଙ୍ଗା। ଡଙ୍ଗାରେ 5 ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଥିଲେ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ପହଁରି ପହଁରି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମାଛ ମାରି କୂଳକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ। ସମୁଦ୍ରରୁ 6 ଡଙ୍ଗା ମାଛ ଧରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଉଚ୍ଚ ଢେଉରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ତା ଭିତରୁ 2 ଡଙ୍ଗା ଭାସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ 3 ଡଙ୍ଗା ଢେଉ ମାଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ସୁନାପୁର ନିକଟ ସମୁଦ୍ରରେ ଫସିଥିଲା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ବୋଟ୍। ପ୍ରାୟ 11 ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ଫସି ରହିଥିଲେ। ତେବେ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ହେଲିକପ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଗୋପାଳପୁର ନିକଟତର ହୋଇଯିବ ବାତ୍ୟା, ସେଥିପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ବଢ଼ିଛି ସତର୍କତା। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସିଚୁଏସନ୍ ଏବେ ତ ନର୍ମାଲ ଅଛି, ବଟ୍ ଆଜି ଇଭିନିଂରୁ ମେ ବି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। କାଲି ପରଦିନ ମାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଅଛି ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ମାନେ ସେ ପାଖରେ ହେଇକି ଯାଉଛି ପ୍ୟାରାଲାଲି, ତ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଦେଖିବା ମିଳିବ ମାନେ ବର୍ଷା ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟୁଡେ ଆଣ୍ଡ ଟୁମାରୋ ସବୁ ବିଚ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ଅଶାନୀ। ବାତ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ଅଶାନୀ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 10 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତିପଥ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଥା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳଠୁ ସମୁଦ୍ରରେ 40-60 କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିପାରେ। ଆଜି ସକାଳେ ଏହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତା ବା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଥିଲା। ପବନର ବେଗ 100-110 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ଗଷ୍ଟିନେସ୍ରେ 120 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏହି ଯେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ
लगे आसंता काल यह गोटे साइक्लोन स्टॉर्म रे परिणत हो 12 तारीख बेलू यह गोटे डिप्रेशन रे परिणत होते ओडिशा उपकूलस्थ समुद्र उत्तर पश्चिम बंगोपसागर आसिक अशानी प्रभाव में आज उपकूलवर्ती जिलागुड़िक वर्षा आरंभ हो आगामी 24 घंटा मध्य मलकानगि कोरापुट गजपति गंजाम और पूरी जिले में गोटे दुईट स्थान में प्रबल 7-11 सेंटीमीटर वर्षार संभावना रही आसंता काली गंजाम गजपति और पूरीर गोटे दुईट स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही 12 तारीख में पूरी जगत सिंहपुर कटक केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर जिलार गोटे दुईट स्थान में प्रबल वर्षार संभावना रही नेक्स्ट 24 आवर्स में कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्स और साउथ इंटीरियर का कुछ डिस्ट्रिक्स जैसे मलकानगिरी कोरापुट रायगढ़ ये सब डिस्ट्रिक्स में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश होगा। हेवी रेनफॉल का भी होने का चांसेस है। मेनली हेवी रेनफॉल का वार्निंग हमारा जो है गजपति गंजाम मलकानगिरी कोरापुट और पूरी ये डिस्ट्रिक्स ये सब डिस्ट्रिक्स का अंदर में एक दो जगह करके हेवी रेनफॉल नेक्स्ट 24 आवर्स में मीन्स आज होने का बात्या पाई पुरी रे समस्त वीडियो तहसीलदार मानको सजाग रहबा को जिलापाल निर्देश दैछंती। जिलार समस्त तळिया अंचल रे बसवास करूथिबा लोकंकु दरकार पड़िले आजिठारु स्थानांतरित कराजिबो बोली जिलापाल कहिछंती। समस्त बात्या आश्रयस्थल प्रस्तुत थिबा बळे सुखिला खाद्य रंधा खाद्य पीबा पानी औषध मध्य महजूद रखा जाइछि। सेहिपरि ब्रह्मगिरी कृष्णप्रसाद अस्तरंग ओ पुरी सदररे ओ ड्राफ्ट टीम मुतयन रहिबे। कटकरे मध्य प्रशासन पक्षरु पदक्षेप निया जाइछि। आमे दुई थरे ऑलरेडी सबु लाइन डिपार्टमेंट संगे मीटिंग करि सारिछु। सबु वीडियोस मानंकु इंस्ट्रक्शन दिया जाइछि कि जते कि लो लाइंग एरिया बा वल्नरेबल पॉकेट्स रहउछि कोस्टल एरिया रे सेमानकर इवैक्युएशन प्लान से मैंने ऑलरेडी रेडी करी सारी छंती। आमे आज ही दरकार पड़े आज ही टू ही इवैक्युएशन आरंभ कर दबू। सब समस्त सब साइक्लोन शेल्टर गवर्नमेंट स्कूल रे हॉट कुक्ड मील और ड्राई फूड ए सब पूरा अरेंजमेंट कराई छी। बेसिक एमिनिटीज रा अरेंजमेंट भी कराई छी। साइक्लोन पर हमें जो फीडबैक पाउ छु एठी टिके वर्षा हे पारे सेते की डैमेज हेबार संभावना नाही तथापि हमें सब प्रिपरेशन रखी छु स्पेशली जो वाटर लॉगिंग रो समस्या टा जटा हे पारे सेटा पई पंप्स डिप्लॉयमेंट रहू कि डीसिल्टिंग रहू सेटा सब विषय रे एफर्ट्स चले छी। प्लस फायर को भी हमें अपडेट करे छु जे तांकर जो पंप्स डिप्लॉय हेबार रहू छी सेटा भी टाइमली फील्ड को पहुंचे बा। अशानी प्रभाव रे ओडिसा उपकूल रे 40 रो 50 किलोमीटर बेगरे पवन बही पारे। गोपालपुर बंदर पई 3 नंबर विपद संकेत जारी करा जाइथिबा बळे पुरी चांदवाली धामरा एवं पारादी बंदर पई 2 नंबर विपद संकेत जारी करा जाइछि। ब्यूरो इनपुट सह नवादिल्ली रो गगन विश्वाल पुरी रो आलोक आशुतोष और भुवनेश्वर रो कविता स्वाईं का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। बारवाटी धोली एक्सप्रेस आगे कौन खबर रही कितना समय गोटे छोट बिरतर भुवनेश्वर मेयर का नुआ अंदाज स्कूटी बुली परखुंट राजधानी स्थिति हेले ए भितर बिवाद को छंदी हो जाती मेयर बाडाम कारण तांकर एही स्कूटी गस्त समय रे मुंडरे नाही हेलमेट जहाँ कुने साधारण रे चर्चा जोर धरी। भुवनेश्वर मेयर को नुआ अंदाज स्कूटी रे बुली परखुछंती राजधानी रो स्थिति हेले मुंडरे नाही हेलमेट साधारण रे चर्चा। प्रतिदिन विभिन्न वार्ड को जाई स्थानीय लोकंक सह कथा हेबा सह सेठाकर समस्या संपर्क रे अवगत हेउछंती भुवनेश्वर मेयर। रविवार एही क्रम रे मेयर श्रीमती दास 43 नंबर वार्ड को जाई सेठाकर लोकंक सह आलोचना करिछंती। एही समय से स्कूटी रे बुली विभिन्न ड्रेन रो स्थिति देखिछंती। मुख्यतः 5 नंबर ड्रेन रे 1964 मसीहार थुआ साइपन रे समस्या सृष्टि हेबारु एहार केमिति समाधान होई परिबो मेयर ताहा उपरे गुरुत्व देथिले। देखंतु भुवनेश्वर रे गळी कंदी रे हेलमेट चेकिंग करा जाउची किंतु बड़ बड़ बडियांक उपरे हेलमेट चेकिंग करा जाऊ नहीं देखुथिबे किछ दिन भितरे मेयर अमर जे से भी हेलमेट पिंधिया को भूली जाइछंती। नै आइनटा समस्त पई आज्ञा समान किंतु एटा मेयर को पाखरे लागू होबा दरकार आ साधारण लोक जदि एटा दंडित होछंती एटा मेयर भी दंडित होबा दरकार। मेयर को एही गस्त समय रे मैडम हेलमेट न पिंधिबा नै एबे चर्चा जोर धरिछि। से स्कूटी पछरे बसथिबा बळे हेलमेट पिंधि नथिले एमिति कि ताको स्कूटी चालिका मध्य हेलमेट पिंधि नथिले जहाकु नै सामाजिक गणमाध्यम रे प्रश्न उठिछि। मेयर को क्षेत्र रे हेलमेट पिंधा नियम काहि कि लागू नहे बोली प्रश्न करिछंती कांग्रेस नेत्री रश्मि महापात्र। भुवनेश्वर प्रथम महिला
ମେୟର କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ବହୁତ କିଛି ଆଶା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ସବୁ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ ଫିଗର ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ମାନେ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ସେ ନିଜେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଗଲା କି ନାହିଁ, ସରକାର ଆଦାୟ କଲେ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଏଭଳି ଭୁଲ ନହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାର ଆଦାୟ କରିବା କଥା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକେ ଟିକେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୋଟା ଆକାରରେ ଫାଇନ୍ ନେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ନିଜେ ମେୟର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ନିୟମ, ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ଟ୍ରାଫିକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ଅଛି ବାରବାଟୀ ଧୂଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଖବରଯାତ୍ରାକୁ, ଆଜି ପାଇଁ ରଖିବା, ନମସ୍କାର।